नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने एक और जहां राजनीति और साथ ही गायकी से संन्यास लेने की बात कह दी, तो वहीं अब आपको बता दें कि टीएमसी के नेता और आसनसोल से पूर्व सांसद रहे बाबुल सुप्रियो पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। पवन सिंह ने एक और जहां बाबुल सुप्रियो द्वारा दिए गए बयान पर अपनी बातों को लिखा, तो वहीं उन्होंने एक बार फिर से आसनसोल को लेकर के कई तरह से मुद्दों को उठाया है। बता दें कि एक और जहां बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह के पोस्टर्स के साथ में ये आरोप लगाया था कि पवन सिंह के गाने बंगाली महिलाओं के लिए होते हैं और ये काफ़ी आपत्तिजनक होता है। वहीं ऐसे में पवन सिंह ने इस पर जहां सब कुछ साफ कर दिया था, तो वहीं एक बार फिर से पवन सिंह आसनसोल को लेकर के एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने पहले ही आसनसोल से टिकट लेने पर इनकार जताया था, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह फिर से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ऐसे में फिर से कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब तक बीजेपी ने इस सीट से किसी को भी टिकट नहीं दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने की घोषणा कर चुके भोजपुरी एक्टर ने पहले आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया, लेकिन अब आसनसोल के पूर्व सांसद और टीएमसी विधायक बाबुल सुप्रियो को उन्होंने निशाने पर ले लिया है। पवन सिंह ने बाबुल सुप्रियो पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछा है कि 2019 के चुनाव के दौरान मैंने आपके लिए चुनाव प्रचार किया था, आपने हमें सम्मान दिया था, आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि गलत तस्वीर और पोस्टर से बदनाम कर रहे हैं। बता दें कि पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुराना वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि कलाकार और सन्यासी की कोई जाति या धर्म नहीं होती, उनको इनकी समाज विशेषताओं के लिए सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा। 2019 में मैंने जिस तरीके से सुप्रिय बाबुल जी के लिए प्रचार किया, आसनसोल आया, खूब मान सम्मान मिला, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, फर्जी चित्रों का सहारा लेना पड़ रहा है, अपने संगीत को भी धोखा देने का कार्य किया, पुण्य रूप से टीएमसी के नेता बन गए, दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पवन सिंह ने बाबुल सुप्रियो को लेकर दो पोस्ट किए थे, जिसमें बाबुल सुप्रियो द्वारा जारी किए गए चार पोस्टर को उन्हें सही साबित करने की चुनौती दी थी और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया था कि अगर वो इसे सही साबित करते हैं तो वो राजनीति तो राजनीति, साथ ही संगीत से भी संन्यास ले लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।